हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक नारायण चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स का। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा द रेड ट्रैप को बहुत ही अच्छे से इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। हमारे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। और चूँकि चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम दो तीन पार्ट में इसे समझेंगे, ठीक है। तो आज ये वीडियो जो है हमारा पार्ट फर्स्ट का है। और प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि पर डे आपकी क्लासेज यहाँ 8:30 बजे होती हैं, तो पर डे आप क्लासेस को अटेंड किया करिए। और दोस्तों, आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लेकिन आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिसीजन लें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहे दानी, ठीक है। अब चूहे दानी ये देखिए, ये आकार बना हुआ है चूहे दानी का। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते होंगे वो शायद चूहे दानी जानते भी होंगे। तो ये बनी हुई है आपकी चूहे दानी, ठीक है। जो ना देखें वो देख लें। तो द रेड ट्रैप मतलब क्या होता है? रेड ट्रैप मतलब होता है चूहे दानी, ओके। अब यहाँ पर हम समझते हैं अबाउट द ऑथर, यानी लेखक कौन है इसके। तो शर्मा लेंजर लोफ इसके लेखक हैं चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप के, ठीक है। तो सेल्मा लेंजर लोव का जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई। तो सेल्मा लेंजर लोव वो आज स्वीडिश राइटर, ये स्वीडन के, ठीक है, लेखक थे। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, जिनकी कहानियाँ, ठीक है, कई भाषाओं में अनुवाद की गई हैं। अब ये देखिए, अ यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक विषय। थीम मतलब होता है विषय बाबू, ठीक है। तो अ यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक विषय, रन्स थ्रो ऑल ऑफ देम। रन्स मतलब चलता है, थ्रो मतलब के माध्यम से, ऑल ऑफ देम, ठीक है, यानी उनमें से। अ बिलीफ, एक भरोसा, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग कैन बी अवेकेंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अ बिलीव, एक भरोसा, दैट द एसेंशियल गुडनेस, जो मानव की आवश्यक अच्छाई है, इन ह्यूमन बींग यानी मानव जाति में, कैन बी अवेकेंड यानी जगाया जा सकता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझ और प्यार के जरिए से। दिस स्टोरी यानी यह कहानी, इज सेट एमिस्ट, सेट मतलब होता है स्थित होना, ठीक है, और एमिस्ट मतलब होता है के मध्य। तो दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट, यह कहानी स्थित है द माइंस ऑफ स्वीडन, यानी स्वीडन के, ठीक, माइंस की जो खाने हैं, ठीक, माइंस मतलब क्या होता है, खान, वहाँ के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिच इन आयरन ओर, तो जो खाने हैं, ठीक है, उनमें लोह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। ओर मतलब होता है अयस्क, ठीक है। Which figure large in the history and legends of that country? Which figures, जिसका आकार लार्ज, बहुत ही बड़ा है, इन द हिस्ट्री यानी इतिहास में, एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, और उस कंट्री की किंवदंतियाँ हैं। द स्टोरी इज टोल्ड सम हॉट, ये जो कहानी है, इज टोल्ड यानी बताती है, सम हॉट इन द मैनर ऑफ अ फेयर टेल, ठीक है। ये जो कहानी है एक परी कथा के बारे में बताती है। फेरी मतलब क्या होता है? परी, और टेल मतलब कथा, तो परी कथा के बारे में बताती है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें, उनकी वर्ड मीनिंग मैं बताता रहता हूँ, तो उन्हें आप लोग अपनी किताब ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके उनके मीनिंग्स को लिखते चलिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर एंड नहीं होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस्ड होकर, ठीक है, एक ही बार में आपको समझ जाना चाहिए, भूलना नहीं है आपको। शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, तो आप लोगों ने बहुत ही पहले कहानी में पढ़ा होगा, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, अ टाइम मतलब एक बार, वंस अपॉन मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज अ मैन, ठीक, एक व्यक्ति था, हु वेंट
अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो चारों तरफ घूमता रहता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर यानी तार से बनी हुई छोटी चूहेदानियों को बेचते हुए या बेचने के लिए, ठीक है। ही मेड, वह बनाता था, देम हिमसेल्फ, देम मतलब यहाँ से क्या तात्पर्य है, उन चूहेदानियों से। तो ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन चूहेदानियों को स्वयं से बनाता था, एट ओड मोमेंट्स, विषम स्थितियों में, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेकिंग, उसके बनाने के लिए यानी चूहेदानी को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता था उसे वो भीख मांग कर लाता था इन द स्टोर्स, यानी जो किराना स्टोर्स या जो जो भी उस सामान के स्टोर्स होते हैं वहाँ से, और एट द बिग फार्म या फिर बिग बड़े बड़े फार्म से भीख मांग कर लाया करता था उस चूहेदानी को बनाने वाले सामान को, समझिएगा। अब यहाँ से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो ठीक छोटे चूहेदानियों को बेचा करता था ऑफ वायर, ठीक बेचते हुए घूमा करता था जो वायर से बनी होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उसे स्वयं बनाता था, एट ऑड मोमेंट यानी विषम परिस्थितियों में, फॉर द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, वो जो मटेरियल होता था, पदार्थ होता था जिससे चूहेदानी बनाई जाती थी, वह भीख मांग कर चाहे स्टोर्स से या फिर बड़े बड़े फार्म्स से लाया करता था। अब बट इवन सो, लेकिन फिर भी, तो इवन सो का मतलब हो गया फिर भी, बट मतलब लेकिन, तो लेकिन फिर भी द बिजनेस यानी जो उसका धंधा था, व्यापार था, वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टूगेदर, ठीक। सो इसीलिए ही हैड टू रिजोर्ट यानी उसे सहारा लेना पड़ता था, तो बोट यानी दोनों का, अब किसका किसका, द बेगिंग यानी भीख मांगने का, एंड द पिटी थेवरी और छोटी मोटी चोरियां करने का, टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर यानी अपने जीवित रहने के लिए। इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स यानी उसके कपड़े, वर इन रेक्स, रेक्स मतलब फटे होना, फिर भी उसके कपड़े फटे होते थे, हिज चीक्स यानी उसके गाल, वर सनकन यानी सिकुड़े हुए थे, पिचके हुए थे, ठीक है। एंड और हंगर ग्लीम्ड, और जो भूख थी वो ग्लीम्ड यानी क्या, उसकी आंखों से झलक रही थी, ठीक है, यानी झलकती हुई प्रतीत हो रही थी उसकी आंखों में। ओके दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ से समझ लेते हैं। बट इवन द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन विशेष रूप से, विशेषकर उसका जो बिजनेस था, व्यापार था, वो लाभदायक नहीं था, इसीलिए वे ठीक दो चीज़ों का सहारा लिया उसने, किसका, एक बेगिंग यानी भीख मांगने का, और दूसरा छोटी मोटी चोरियाँ करने का, यानी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर यानी अपने जीवित रहने के लिए। इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ वर इन रेक्स यानी उसके कपड़े फटे होते थे, हिज चीक्स वर सनकन यानी उसके गाल पिचके होते थे, एंड द हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और जो भूख है वो उसकी आंखों में साफ झलकती रहती थी। आप लोगों ने भिखारी देखा है, भिखारी किस प्रकार होते हैं, बहुत ही पतले पतले फटे हुए कपड़े, ठीक है, और फटे हुए कपड़े, पिचके हुए गाल, सेम कंडीशन यहाँ भी था, क्योंकि ये भी क्या था, भिखारी था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, या अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो, ठीक है, मेरे पढ़ाने की प्रक्रिया में अगर मैं अच्छे से ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप बता सकते हैं, ठीक है, आगे से आपकी वीडियो में सुधार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नो वन कैन इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, तो नो वन कैन इमेजिन यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड कितना दुखी, एंड मोनोटोनियस, मोनोटोनियस मतलब होता है नीरस, तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितना दुखद और नीरस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोंड, कि कितने दुखी और नीरस जीवन ऐसे वैगाबोंड यानी घुमक्कड़ व्यक्ति, ठीक है, व्यतीत करते हैं, हु प्लोड्स अलोंग द रोड, ठीक है, जो सड़क के किनारे किनारे क्या चलता रहता है, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन यानी अपने स्वयं के विचारों को छोड़कर, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना और मेडिटेशन मतलब होता है विचार, तो अपने स्वयं के विचारों को छोड़कर, बट
वन डे दिस मैन हैड फॉलन इंटू अ लाइन ऑफ थॉट बट लेकिन वन डे एक दिन दिस मैन यानी यह आदमी हैड फॉलन यानी गिर गया या गिर गया इंटू अ लाइन ऑफ थॉट्स ठीक एक लंबी श्रृंखला वाले विचारों में व्हिच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग जो वास्तव में इसे क्या मनोरंजक प्रतीत हो रही थी ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप ठीक वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था व्हेन सडनली ठीक जब अचानक ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया दैट द होल कि पूरा अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या आ गया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम तो उसने क्या कहा इस पूरे संसार के बारे में कहा कि द होल वर्ल्ड यानी पूरा संसार विथ इट्स लैंड और इसकी जो भूमि है यानी धरती पूरा संसार और इसकी धरती एंड सीज और सागर इट्स सिटीज इसके शहर एंड विलेजेस और इसके गांव तो यह पूरा का पूरा संसार और इसकी ज़मीन इसकी भूमि और इसके महासागर सागर इट्स सिटीज इसके शहर इसके गांव वाज नथिंग कुछ नहीं थे बट अ बिग ट्रैप एक बड़े चूहेदानी के अलावा यानी उसने क्या सोचा वो सड़क के किनारे किनारे घूमते जा रहा था अपने विचारों को छोड़कर लेकिन एक दिन वह जा रहा था अचानक उसके दिमाग में कुछ विचार आए और उसने सोचा कि ये जो दुनिया है ठीक है यह कुछ भी नहीं है ये एक बड़े चूहेदानी की सिला या एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है यानी उसके कहने का मतलब है कि ये जो दुनिया है ये एक चूहेदानी की भांति है ठीक है इसके जो शहर हैं इसकी जो भूमि है इसके जो सागर हैं ये सब इसकी चूहेदानी के अंदर है यानी ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है उसने ये सोचा अब आगे बढ़ते हैं इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर द पीपल इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है फॉर एनी अदर पर्पज यानी इस दुनिया का ठीक है किसी और उद्देश्य के लिए ठीक कोई अवस्थिति नहीं है ठीक देन टू द सेट द बेस्ट फॉर द पीपल यानी लोगों को लालच देने के अलावा इसका और कोई उद्देश्य अस्तित्व में नहीं है इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, health, heat and clothing exactly as a trap offered cheese and pork. अब हम समझते हैं इट ऑफर्ड या लालच देता है या अवसर देता है riches यानी धन का या धन का लालच देता है संपत्ति का लालच देता है and joys और सुख का लालच देता है शेल्टर यानी आश्रय आवास का लालच देता है एंड फूड और भोजन का लालच देता है हीट गर्म का लालच देता है यानी गर्मी का ठीक है क्लोथिंग यानी कपड़े का लालच देता है एग्जैक्टली एज यानी ठीक उसी प्रकार एग्जैक्टली यानी ठीक उसी प्रकार एज जैसे धर ट्रेप जैसे चूहेदानी में ऑफर्ड यानी लालच दिया जाता है चीज़ यानी किसका पनीर भाई शादियों में या कोई पार्टी होती है ठीक है जब इनविटेशन में आप जाते हैं तो क्या मिलता है वहाँ पर पनीर की सब्जी तो वहाँ भी आपको लालच ही दी जा रही है पहले यहाँ पर समझिए तो एग्जैक्टली यानी ठीक उसी प्रकार एज जैसे द रेट्रेप ऑफर्ड ठीक उसी प्रकार जैसे चूहेदानी में लालच दी जाती है चीज़ यानी पनीर की एंड और पोर्क पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस जैसे ठीक उसी प्रकार चूहेदानियों में पनीर और चूहे के मांस की लालच दी जाती है एंड और एज सून एज और जैसे ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट और जैसे ही कोई अपने आप को ठीक है उस लालच में लेके जाता है टू टच द बेट और उसे छूता है किसे उस लालच को जो बेट लगाया जाता है इट क्लोज्ड इन ऑन हिम तो वह चूहेदानी उसे अपने अंदर बंद कर लेती है एंड और देन एवरीथिंग केम टू एन एंड फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं वो कह रहा है कि इस दुनिया का
एक दूसरे को लालच देने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये दुनिया सभी को धन, आनंद या सुख, आश्रय, भोजन, गर्म और कपड़े, ठीक उसी प्रकार लालच के रूप में देती है जैसे एक चूहेदानी में किसी चूहे को लालच दिया जाता है, ठीक। एक पनीर का पनीर लगाकर या फिर सुअर का मांस लगाकर, और जैसे ही वो चूहा ठीक अपने आप को आगे बढ़ाता है उस बेट के लालच में, ठीक है, और जैसे उसे टच करता है वो चूहेदानी उसे बंद कर लेती है, और क्या होता है फिर संसार समाप्त हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग आगे, ओके। कमेंट करते रहिए भैया। द वर्ल्ड हैड अ कॉज नेवर बीन काइंड टू हिम। द वर्ल्ड यानी जो संसार है, अब कॉज, ठीक है, सचमुच द वर्ल्ड अब कॉज नेवर बीन काइंड टू हिम, संसार सचमुच उसके प्रति दयालु नहीं है। सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसीलिए यह उसे अवांछित, अनवांटेड मतलब होता है अवांछित, वांटेड मतलब क्या होता है जिसे हम चाहते हैं, और अनवांटेड मतलब ठीक उसी का, ये हमारा क्या है एंटोनिम है, ठीक है, तो जिसे हम नहीं चाहते हैं यानी अवांछनीय, तो सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसीलिए यह उसे ठीक एक अनवांटेड जॉय यानी अवांछित खुशी प्रदान करता है। टू थिंक यानी सोचना, इल मतलब है यहाँ बुरा है, तो थिंक इल ऑफ इट यानी अपने बारे में बुरा सोचने से उसे एक अपने बारे में बुरा सोचने से उसे एक अवांछित आनंद मिलता है। इन दिस वे यानी इस तरीके से इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, इट बिकेम या बन गया अ चेरिस्ड ऑफ पास टाइम ऑफ हिज, इट बिकेम या बन गया अ चेरिस्ड एक इच्छित, ठीक है, पास टाइम ऑफ हिज या एक उसका इच्छित आनंद बन गया। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, ठीक, कई नीरस यात्राओं के दौरान, टू थिंक यानी सोचना ऑफ पीपल यानी लोगों के बारे में ही न्यू, ठीक, जिन्हें वह जानता था, हु हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare, ठीक, जिन्होंने अपने आप को उस खतरनाक स्नेर मतलब होता है डेंजरियस मतलब होता है खतरनाक, स्नेर मतलब होता है जाल, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया है, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और अन्यों के बारे में हु वर स्टिल सर्कलिंग जो चक्कर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं अराउंड द बेट यानी उस लालच के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, इस दुनिया थी वास्तव में उसके प्रति दयालु नहीं थी, इसीलिए गेव हिम अनवांटेड जॉय, इसीलिए उसे अपने बारे में बुरा सोचने से, ठीक है, उसे एक खुशी मिलती थी, अवांछित खुशी मिलती थी, ठीक है, इट बिकम अ चेरिस्ट ऑफ पास टाइम या उसकी एक मनोरंजक इच्छा बन गई, ठीक है, और ड्यूरिंग मेनी डेयरी प्लोडिंग्स, ठीक है, यानी कई नीरस यात्राओं के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल यानी कई नीरस यात्राओं के दौरान वह सोचता रहता था जिन्हें वह जानता था, ठीक है, और जिन्होंने अपने आप को स्वयं उस लालच के जाल में फंसने दिया था, और कुछ अन्यों के बारे में भी सोचता था जो उस लालच के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ओके माय फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रेडजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। वन डे एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रेडजिंग अलोंग द रोड, ठीक, वह सड़क के किनारे किनारे ट्रेडजिंग यानी थके हुए चल रहा था, ठीक, ही कॉट साइट यानी उसकी नज़र पड़ी, कॉट साइट मतलब होता नज़र पड़ना, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी पुरानी झोपड़ी पर उसकी नज़र पड़ी बाय द रोड साइड जो सड़क के किनारे पर थी, एंड और ही नॉक्ड ऑन द डोर और उसने दरवाजे को खटखटाया, ठीक, डंडन, टू आस्क शेल्टर यानी ठहरने के लिए, ठीक, फॉर नाइट यानी वह रात बिताने के लिए पूछने के लिए, तो उसने दरवाजे को खटखटाया रात बिताने के लिए,
पूछने के लिए, रात बिताने के लिए, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, ठीक, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड यानी उसे मना भी नहीं किया गया। रिफ्यूज्ड मतलब क्या होता है? मना करना, तो नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड यानी उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टेड, इसके बजाय, ऑफ द सव फेसेस यानी दुखी चेहरे के अलावा, व्हिच ऑर्डिनली मेट हिम, उसे साधारण चेहरा मिला, द ओनर यानी उसका घर का मालिक, हु वॉज जो था, एन ओल्ड मैन उस घर का जो मालिक था वह एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ यानी बिना पत्नी के, और चाइल्ड और बिना बच्चे के, बिना बच्चों के। तो वो जो घर का ओनर था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, अब वो बूढ़ा आदमी भी खुश हो गया क्योंकि वो अकेला था, तो वॉज हैप्पी यानी खुश हो गया, टू गेट यानी पाकर, समवन यानी किसी को, टू टॉक यानी बातें करने के लिए, यानी वो बूढ़ा आदमी भी खुशी हो गया किसी को पाकर बातें करने के लिए। हाँ कि बहुत दिन से भाई मैं अकेला अकेला रह रहा था और कोई मिल गया है तो आज जी भर के बातें करूँगा इससे, तो बूढ़ा आदमी भी खुश और ये भी खुश। ओके, तो वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टॉक टू इन हिज लोनलीनेस यानी उसके अकेलेपन में। इमिडिएटली तुरंत, ही पुट द पॉरिज पॉट, ही पुट यानी उसने रख दिया, द पॉरिज पॉट, पॉरिज मतलब होता है दलिया यानी दाल, पॉट मतलब होता है जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे हम हांडी बोलते हैं, तो उस हांडी को रख दिया कहाँ पर, ऑन द फायर यानी आग पर। तो तुरंत ही जैसे वह उसका मेहमान आया भिखारी, ठीक है, उसने तुरंत ही एक हांडी ली और उसमें दाल चढ़ा दिया आग पर रखकर, हाँ कि भाई बने हम लोग खाएं, एंड गैब और दिया हिम सपर यानी उसे रात्रि का भोजन दिया। देन तब ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, देन ही कार्व्ड ऑफ फिर उसने काट कर निकाला, सच अ बिग स्लाइस यानी इतनी बड़ी फाक, फ्रॉम हिज टबैको रोल, रोल मतलब क्या होता है, बंडल, अपने तंबाकू के बंडल से, फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल से, ठीक है, काट कर एक बड़ी सी फाक निकाली, दैट जो, ठीक, इट वॉज इनफ, जो पर्याप्त था, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, जो दोनों, जो पर्याप्त था बोथ यानी दोनों के लिए, फॉर द स्ट्रेंजर यानी उस अपरिचित व्यक्ति के लिए, अपरिचित व्यक्ति की चीलम में भरने के लिए, एंड हिज ओन और उसके स्वयं के चीलम में भरने के लिए। तो उसने अपने तंबाकू का बंडल उठाया और उसमें से एक टुकड़ा काट कर निकाला, ठीक, जो उसके और उस अपरिचित व्यक्ति के दोनों की चीलम में भरने के लिए पर्याप्त था। यहाँ पर पाइप जो है चीलम जिसका मतलब होगा। फाइनली अंततः ही गॉट आउट, ठीक, अंततः ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गॉट आउट यानी उसने निकाला, एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, ठीक, एक पुराना, ठीक है, बंडल वाला कार्ड निकाला, एंड प्लेड मजुलिस और मजुलिस खेला, विथ हिज गेस्ट यानी अपने मेहमान के साथ, अनटिल बेड टाइम यानी सोने के समय तक। ओके माय फ्रेंड्स, तो हम लोग जल्दी बढ़ते हैं आगे क्योंकि चैप्टर है बहुत बड़ा। अब यहाँ पर देखिए, कार्ड वार्ड खेलते हैं आप लोग? भाई मैंने तो नहीं खेला आज तक, गाँव में कभी कभी जाता था तो देखता था लोग खेलते रहते थे, लेकिन मैंने तो नहीं खेला आज तक, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन इतना जानता हूँ जो ताश होता है ना उसी को बोलते हैं। अब ये देखिए, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनेरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस आइज विथ हिज पॉरिज एंड टबेको। द ओल्ड मैन यानी वह बूढ़ा व्यक्ति, वॉज जस्ट यानी था बिल्कुल, बिल्कुल था, ठीक, एज यानी उतना ही, जेनेरियस यानी उदार, विथ हिज कॉन्फिडेंस, ठीक, अपने जो गुप्त बातों के प्रति उतना ही उदार था, एज जितना विथ हिज पॉरिज एंड टबैको, जितना ही अपने पॉरिज यानी दलिया और तंबाकू के प्रति उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब होता है बताया जाना, और ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस का, यानी द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड यानी गेस्ट को बताया गया, एट वंस यानी तुरंत, तो गेस्ट को बताया ही गया,
दैट की इन हिज डेज, यानी इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी उसके सुख के दिनों में, हिज होस्ट यानी उसका मेज़बान। तो याद रखिएगा, गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान। होस्ट मतलब मेज़बान। मेहमान किसे कहते हैं? जो आते हैं। और मेज़बान किसे कहते हैं? मेहमान जिसके घर आते हैं। ठीक है, तो होस्ट का एंटोनिम, गेस्ट का एंटोनिम क्या हुआ? होस्ट। क्लियर? तो दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर एट राम्स जो आयरन वर्क। तो उसने बताया, किसने? बुढ़े आदमी ने, उस भिखारी को, कि जब उसके सुख के दिन थे, ठीक है, तब वह क्या था? एक कृषक था एट रामसो आयरन वर्क, यानी रामसो आयरन वर्क, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसके ज़मीन पर कार्य करता था, यानी रामसो आयरन वर्क में वह किसान था। अब देखिए, नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वह दैनिक मजदूरी करने में सक्षम नहीं था। इट वॉज हिज काउ, ठीक, या उसकी गाय थी, हुई सपोर्टेड हिम, जो उसने, जिसने उसे सपोर्ट किया, उसकी सहायता की। यस, हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, यह गाय जो है असाधारण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन, ठीक है, क्रीमरी यानी मक्खन के लिए दूध देती है। एंड और लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही, ही हैड रिसीव्ड यानी उसने प्राप्त किया, किसने? उस बूढ़े व्यक्ति ने, ऑल ऑफ 30 क्रोनोर, यानी उन सभी दूध, जो दूध जो वो बेचता था, उन सभी का जो मूल्य था उसे प्राप्त किया है, जो थे 30 क्रोनोर। क्रोनोर भैया, ये जैसे अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, तो ये स्वीडन की करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की मुद्रा है। और जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो उसी प्रकार स्वीडन में क्रोनोर चलता था, तो वहाँ की मुद्रा है, तो इसे आप रुपया समझ सकते हैं। तो ऑल ऑफ 30 क्रोनोर, यानी उसने 30 क्रोनोर प्राप्त किए थे इन हिज पेमेंट, यानी अपने भुगतान में प्राप्त किए थे। द स्ट्रेंजर यानी अपरिचित व्यक्ति मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस, यानी जो अपरिचित व्यक्ति था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, ठीक, गॉट अप एंड वेंट द विंडो, और इसीलिए जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उठा, एंड वेंट, और गया, टू द विंडो यानी खिड़की तक, टुक डाउन यानी नीचे उतारा, अ लेदर बैग, एक चमड़े का पाउच, ठीक, लेदर पाउच, एक चमड़े का बैग, व्हिच हंग ऑन, जो टांगा हुआ था, ऑन अ नेल, नेल मतलब होता है बाबू कील, ठीक, इन वेरी विंडो फ्रेम, यानी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील से टंगा हुआ था। एंड और पिक्ड आउट यानी बाहर निकाला, तो पिक आउट मतलब बाहर निकालना, 3 व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मतलब होता है मुड़े हुए, 10 क्रोनोर बिल्स, बिल्स मतलब समझ सकते हैं आप नोट, तो उसने 3 मुड़े हुए 10 10 क्रोनोर के नोटें निकाली। दीज, ये ही हेल्ड, ठीक, अप, या उसे पकड़े हुए था इन नोटों को, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट यानी अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़े हुए था, नोडिंग यानी हिला रहा था, नोंगली यानी जानबूझकर, और पकड़ कर जानबूझकर हिला रहा था, ठीक, इसलिए हिला रहा था ताकि उसका जो फ्रेंड मतलब उसका जो गेस्ट आया है वह उसे देख सके और उस पर विश्वास कर सके कि हाँ, ये 30 क्रोनोर इसने प्राप्त किए हैं। एंड और फिर बढ़ते हैं आगे अपन लोग। देन तब स्टफ्ड दम बैग, ठीक, यानी दोबारा से उसमें ठूस दिया, यानी उस इनटू द पाउच, यानी उसी बैग में दोबारा से रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन यानी दोनों व्यक्ति गॉट अप यानी उठे, इन गुड सीजन, ठीक, एक अच्छी सुबह उठ के। द क्रॉफ्ट यानी जो किसान था, वॉज इन हरी, जो क्राफ्टर था, किसान था, वो बहुत ही जल्दी में था, तो मिल्क हिज काउ यानी अपने गाय का दूध दोने के लिए। एंड और द अदर मैन यानी जो अन्य व्यक्ति था, प्रोबेबली थॉट, शायद उसने सोचा, ठीक, ही शुड नॉट, कि उसे नहीं रहना चाहिए, स्टे इन बेड यानी उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ हाउस, जब घर का मालिक हैड गॉटन अप, उठ गया है। अब यहाँ से फिर से समझते हैं,
द नेक्स्ट डे यानी अगली सुबह, जैसे रात को वो लोग खाना पानी खाए पिए और चिलम वलम बढ़िया पिए ठीक और सो गए। द नेक्स्ट डे यानी अगली सुबह बोथ मैन यानी दोनों व्यक्ति गोट अप यानी जाग गए इन गुड सीजन यानी सुबह सुबह ही कह सकते हैं आप। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, अब जो किसान था वो क्या था, जल्दी में था। किस लिए, क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध दुहना था तो वह अपनी गाय का दूध दुहने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन, और बात करें उसके गेस्ट की, तो वह शायद इसलिए उठ गया था क्योंकि वो सोच रहा था ठीक, उसने सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो मुझे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो भी उठ गया। तो दोनों साथ साथ उठ गए ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब साथ साथ उठ गए तो अपने अपने रास्ते निकल भी लेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ, देखिए दे लेफ्ट यानी उन्होंने वो दे लेफ्ट यानी वे निकले द कॉटेज यानी झोपड़ी से एट द सेम टाइम, वो एक साथ झोपड़ी से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर यानी जो क्रॉफ्टर था कृषक था उसने अपने दरवाजे पर ताला लगा दिया ठीक है। एंड फुट द की इन हिज पॉकेट, और रखा क्या चाबी को इन हिज पॉकेट यानी अपनी जेब में। तो जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी को अपनी जेब में रखा। द मैन विद द रेड ट्रैप यानी वो चूहेदानियों वाला जो व्यक्ति था, सैड उसने कहा गुड बाय यानी अलविदा, एंड और थैंक यू धन्यवाद। एंड और दियर अपॉन ईच वेंट इन हिज ऑन वे, और तत्पश्चात वे दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए, अपने अपने रास्ते ठीक है। अब देखते हैं, अभी देखेंगे हम लोग ये जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है, अभी हमने पढ़ा था जस्ट, क्या पढ़ा था कि ये अपना पालन पोषण करने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए चूहेदानी बेचता था। एंड सेकंड सेकंड ये छोटी मोटी चोरियां भी करता था। तो ये जो 30 कनोरोर, ये जो 30 कनोरोर दिखाए हैं ना उस मिल्क मैन ने, उस कृषक ने, अभी आता है इसे चुराने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन हाफ एन हार लेकिन आधे घंटे लेटर यानी बाद, द रेड ट्रैप यानी चूहे वाला व्यक्ति पेडलर स्टूड अगेन यानी घूम फिर कर दोबारा आ गया बिफोर द डोर यानी दरवाजे के सामने। बट हाफ एन आवर लेटर लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी वाला व्यक्ति घूम फिर कर दोबारा से ठीक है उस दरवाजे के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन यानी वो दरवाजे के अंदर जाने का कोशिश नहीं किया उसने। हाउएवर यद्यपि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, यद्यपि वह खिड़की के पास तक गया। स्मेश्ड अ पेन यानी टक्कर मारी, अ पेन यानी उस जो खिड़की में क्या होता है कांच लगा होता है यानी उस कांच पर उसने टक्कर मारी। स्टक इन हिज हैंड यानी अपने जो हाथ है वो अंदर डाले। एंड गॉट होल्ड और पकड़ लिया ऑफ द पाउच यानी उस बैग को विथ हिज 30 कनोरोर और उस 30 कनोरोर वाले बैग को पकड़ लिया। ही टुक द मनी यानी उसने मनी को निकाला एंड थ्रस्ट इट ठीक टू हिज ओन पॉकेट और इसे अपने पॉकेट में अपनी जेब में रखा। देन ही हंग और फिर उसने टांग दिया द लेदर पाउच यानी उस चमड़े के बैग को वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक बैक इन इट्स प्लेस ठीक दोबारा उसी स्थान पर। एंड वेंट अवे और वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो अभी आपने देखा कि जो कृषक था और उसका जो गेस्ट था दोनों क्या थे, साथ साथ निकले थे घर से, लेकिन जो चूहेदानी बेचने वाला था ठीक है बाबू, वो हाफ एन आवर लेटर यानी आधे घंटे बाद फिर घूम कर आ जाता है दरवाजे के सामने, और दरवाजे के अंदर नहीं जाता वो खिड़की तक जाता है क्योंकि उसने देखे थे कि खिड़की के पास जो कील है ठीक है उसी में उसने टांगे हुए हैं लेदर पाउच और उसी में है 30 कनोरोर। तो वहाँ पर पहुँचता है और चूंकि खिड़की में क्या लगा होता है कांच, उस पर टक्कर मारता है, कांच फूट जाता है, होल हो जाता है, इसीलिए वो हाथ अपने अंदर डालकर उस 30 कनोरोर वाले पाउच को ठीक है पकड़ लेता है और उसमें से निकाल कर 30 कनोरोर अपनी जेब में रख लेता है। फिर ठीक उसी प्रकार आराम से बहुत ही सावधानी से टांग देता है और भाग जाता है। अब देखते हैं भाग कर जाता है तो जाता कहाँ है, बढ़ते हैं आगे ना, कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ रहा है भाई।
एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वह पैसे के साथ साथ चला, इन हिज पॉकेट अपनी जेब में रखकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस मतलब होता है चतुराई। वह अपनी चतुराई से क्वाइट प्लीज यानी बहुत प्रसन्न हुआ। ही रियलाइज उसने महसूस किया आपको सचमुच दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कॉन्टिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने महसूस किया कि उसे ठीक पब्लिक हाईवे पर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी। बट मस्ट टर्न ऑफ, तो इसीलिए उसने निश्चय किया कि हमें बदलनी चाहिए, टर्न ऑफ द रोड, ठीक, इसीलिए हमें रोड यानी सड़क बदलनी चाहिए। इसलिए उसने सड़क बदलकर इनटू द वुड्स यानी जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर चल दिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर यानी पहले घंटे के दौरान दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टली, यानी पहले घंटे के दौरान इसके कारण कोई भी कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकम ओवर, और दिन में बाद के घंटों में, ठीक है, इट बिकम ओवर यानी काफ़ी परेशानी हुई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, फॉर मतलब होता है क्योंकि, इट वॉज यह था अ बिग एक बड़ा, कन्फ्यूजिंग यानी संदेह कर देने वाला, ठीक, कन्फ्यूजिंग यानी कन्फ्यूज कर देने वाला फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा कन्फ्यूज कर देने वाला जंगल था। शी हैड गॉटन इन टू, जिसके अंदर वो प्रवेश कर गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया टू बी श्योर यानी निश्चय होकर एक निश्चित दिशा में चलने के लिए। बट द पाथ यानी लेकिन जो रास्ते थे ट्विस्टेड यानी अजीबोगरीब थे, वेक यानी पीछे एंड फोर्थ और आगे, सो स्ट्रेंजली बहुत ही विचित्र प्रकार के थे। ही वॉक्ड, वह चला एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड, वह चलते गया लेकिन अंत तक नहीं पहुंचा। ऑफ द वुड यानी जंगलों के, एंड फाइनली और अंततः ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह ठीक उस जंगल में उसी रास्ते पर बार बार चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट, ठीक, और उसी समय उसे उसका सोच, उसका जो विचार था वो याद आया अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, जो चूहेदानी को लेकर संसार के बारे में उसका विचार था, एंड द रेड ट्रैप, और जो चूहेदानी थी, ठीक है। नाउ अब हिज ओन टर्न हैड टू कम, अब उसके स्वयं की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ ठीक बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह मूर्खता बस बाई अ बेट एक लालच के द्वारा अपने आप को उस जाल में फंसा देता है। द होल फॉरेस्ट यानी पूरा जंगल विथ इट्स ट्रंक, ठीक, यानी इसके तने एंड ब्रांचेस और इसकी शाखाएं, इट्स थिकेस्ट इसके झुरमुट एंड फॉलन लॉक्स और इसके लकड़ों, ठीक, क्लोज्ड इन यानी बंद कर लिया था अपॉन हिम यानी उसे, लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन एक दुर्गम जेल की भांति, फ्रॉम व्हिच यानी जिससे ही कुड नेवर एस्केप जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था। तो उस जंगल के ठीक है तनों ने, शाखाओं ने और इसके झुरमुटों ने, इसके लकड़ों ने क्लोज्ड इन यानी उसे एक दुर्गम जेल की भांति बंद कर लिया था और जिससे बाहर वो चूहेदानी वाला व्यक्ति कभी निकल नहीं सकता था। तो डिफरेंस आज की क्लास का हम एंड करेंगे इन्हीं पैराग्राफ्स के साथ, और जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं वो आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन से समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी जो आज हम लोगों ने की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा आपको इस चैप्टर के पैराग्राफ्स से रिलेटेड जितना हम लोगों ने पढ़ा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो अभी लिखे कमेंट बॉक्स में, और हाँ भैया एक बार कमेंट जरूर कर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना परसेंट आपको यह वीडियो समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तुरंत 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि आप यहां से तैयारी करके 95+ मार्क्स पा सकें, ठीक है। तो बहुत ही तेज के साथ हम अपने प्रोज को ख़त्म करेंगे, फिर पॉजिटिव पर नंबर लगाएंगे, फिर हम अपने सप्लीमेंट्री को ख़त्म करके उधर अपने एप्लीकेशन एसे एंटोनिम सिनोनिम जो हमारे वोकैबुलरी पोर्शन के बचे हुए थे ग्रामर के पार्ट्स उन्हें कवर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से, तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करते रहें, लेकिन
अपनी तैयारियां भी करते रहें। और बहुत ही जैसे मिलेंगे कल शाम 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमॉरो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।